हिलसा कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर 595 मामलों को निष्पादित किया गया। निष्पादित मामलों में सर्वाधिक बैंक और कर्जदारों से जुड़ा हुआ मामला शामिल है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर मामले को निष्पादित कराने के लिए अगले सुबह से ही लोगों की आवाजाही कोर्ट परिसर में होने लगी थी। अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव द्वारा गठित न्यायपीठ में शामिल अपर जिला न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही लोगों में अपने अपने मामले को निष्पादित कराने की होड़ मच गई। सर्वाधिक भीड़ विभिन्न बैंक से जुड़े कर्जदारों की थी। कर्जदारों और बैंकों के बीच लंबित 22,08,82,195 रुपए पर समझौता हुआ।